हेलो दोस्तों, आप सभी को उमा की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड, आज बनाएंगे हम लड्डू। दोस्तों, लड्डू तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, मगर दोस्तों इस तरीके से कभी नहीं खाए होंगे। चलो दोस्तों, मैंने किस तरीके से बनाया और इसका क्या क्या प्रोसेस है, आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखना, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये तो मज़ेदार लड्डू बन के तैयार हुए हैं और खाली 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम 2 कटोरी छोटी वाली बेसन, उसमें डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। सूजी फ्रेंड मही वाली बिल्कुल नहीं लेना, मोटी वाली सूजी लेना है। सूजी और बेसन को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब पानी। पानी डालने के बाद इनको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड, मैं आप सभी को याद दिला दूँ, एक नीचे लाइक का बटन है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर नहीं आया तो दोस्तों डिसलाइक भी कर सकते हो, मगर आप लोग कर जरूर दिया करो, उससे ये पता चल जाता है कि हमारी आप सभी को वीडियो पसंद आई या नहीं आई। अब दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने 1 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। देखो कुछ इस तरीके का हमारा ये बैटर होना चाहिए। ये देखो रखी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया ऑयल, ऑयल गर्म हो जाएगा जब सूजी और ये बेसन का बैटर हमने बना के रखा था, इसको इस तरीके से हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप चाहो तो इसको गोल भी शेप दे सकते हो, आप चाहो तो इसको लंबा भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इनको बढ़िया से हम पका लेंगे। ये ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता दोस्तों, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाते हैं। इसको उलट पुलट करते हुए बढ़िया सा पका लिया है। पकाने के बाद में क्या करेंगे आप लोग, एक टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लेना है, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा ना तो वो टिश्यू पेपर में ही लग जाए। इस तरीके से मैंने एक बैच तो ये बना लिया, मैं दूसरा बैच भी आप सभी को बना के दिखा रही हूँ। देखो इस तरीके से, आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, आप चाहो तो गोल शेप में बना सकते हो, आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से बनाना है। देखो ये मैंने बना के रेडी कर लिया है दोस्तों, कितने मज़ेदार दिखाई दे रहे हैं, कुछ पकौड़े जैसे शेप में भी आए हैं और कुछ लंबे भी आए हैं। अब क्या करेंगे हम, इनको आप सभी को तोड़ के दिखा रहे हैं। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया मैंने 2 छोटी कटोरी भर के चीनी। 2 छोटी कटोरी भर के चीनी डाला है तो इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब पानी, और पानी और चीनी को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए बढ़िया से उसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, बस खाली हमें चीनी को मेल्ट करना है। ये चीनी काफ़ी हद तक हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर का फ्लेवर लड्डुओं में बहुत अच्छा आता है दोस्तों, इसको ज़रूर डालें। अब इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी रेड कलर, तो उससे क्या होगा हमारी लड्डुओं में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको भी चाशनी में बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्टेज पे क्या करना है फ्रेंड, गैस को कर देना है ऑफ और इसको साइड में रख देना है। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जाल और जो हमने ये पकोड़े जैसे शेप के बना के तैयार किए थे उसको डाल देंगे मिक्सी के जाल में, तोड़ तोड़ के इस तरीके से। मिक्सी के जाल में डालने के बाद क्या करना है, हम मिक्सी का ढक्कन बंद करके और इसका एकदम दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। देखो इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत नरम बन के तैयार हुआ है दोस्तों, आप सभी को मैं हाथ से दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से। अब डालेंगे इसको फ्रेंड, जो हमने चाशनी बना के तैयार करी थी उसमें डाल देंगे इसको। डालने के बाद क्या करना है, इसको मिक्स कर देंगे। ये फ्रेंड बहुत जल्दी लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं, आप लोग इसको 10 मिनट में भी बना के तैयार कर सकते हो ढेर सारे। इसको मिक्स कर दिया है,
मिक्स करने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप चाहो तो आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, मगर मैं ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं डालूँगी। मैं डालूँगी इसमें खरबूजे के बीज, ये ले लिया मैंने खरबूजे के बीज। जैसे मार्केट में लड्डू दिखाई देते हैं ना, उसी तरीके से मैं आप सभी को बना के दिखा रही हूँ। इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे खरबूजे के बीज को, और इसको रख देना है फ्रेंड हमें 5 मिनट के लिए ढक के। अब इसमें और भी टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से क्या होगा दोस्तों, हमारे लड्डुओं में एकदम देसी घी जैसे खुशबू आएगी। इसको मिक्स कर दिया है और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे, तो अच्छे से हमारे लड्डू में चाशनी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब ये देखो कुछ इस तरीके से हो गई है, तो मैं आप सभी को एक लड्डू बना के दिखा रही हूँ दोस्तों। इस तरीके से लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में। ये देखो इस तरीके से, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड मैं एक बार आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप सभी को मेरी ये वाली लड्डू की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी रेसिपी है। अब मैं आप सभी को एक लड्डू तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखो कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम लड्डू बनके तैयार हुए हैं, ये देखो।